रेलवे ने कल से एक नई सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन को किया चालू और यह ट्रेन एर्नाकुलम के लिए चलाई गई। इस वीडियो अपडेट के माध्यम से बात करेंगे इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। रेलवे की तरफ से 10 अक्टूबर से एक नई ट्रेन को चालू किया गया। ट्रेन नंबर 06155 के साथ यह ट्रेन एर्नाकुलम जंक्शन और मंगलुरु सेंट्रल के बीच चलाई गई। दोनों ही दिशाओं में से ट्रेन का संचालन को हरी झंडी दिया गया और इसके साथ ही एर्नाकुलम से यह ट्रेन नंबर 06155 के साथ मंगलुरु के लिए और मंगलुरु से यह ट्रेन 06156 के साथ चलाई गई। ऐसे में चेन्नई सेंट्रल के लिए इस ट्रेन का संचालन को शुरू किए जाने के बाद इस ट्रेन का जो जानकारी रेलवे की तरफ से जारी की गई है उसके अनुसार यह ट्रेन मंगलुरु सेंट्रल से 1:50 पर दोपहर में रवाना की गई, जो कि उसी दिन यह ट्रेन एर्नाकुलम जंक्शन 9:25 पर मध्यरात्रि पहुंची। 415 किलोमीटर का यह ट्रेन सफर तय की। इसके साथ ही इस ट्रेन का कई रेलवे स्टेशनों पर स्टॉपेज भी था। ऐसे में दूसरे दिशा में यह ट्रेन एर्नाकुलम से 9 बजे मध्यरात्रि रवाना हुई और 5:30 पर सुबह में 415 किलोमीटर का सफर तय करके मंगलुरु पहुंची। दोनों ही दिशाओं में इस ट्रेन का संचालन को शुरू किया गया। इसके साथ ही इस ट्रेन में सभी श्रेणी के कोच लगाए गए हैं जिसका पैसेंजरों को सुविधा मिलेगा। इस रूट पर हालांकि और भी नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे चालू कर चुकी है जिसका आने वाले नए वीडियो में जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और इसके साथ ही नई ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को करें सब्सक्राइब।